Good morning students, this video is presented by BSES and Sophia and my name is Mohammed Momin Mir. Last video में बेटा हमने पढ़े थे स्टोरी राइटिंग और स्टोरी राइटिंग से पहले हमने पढ़े थे जर्नल वर्ड्स. आज के जो हम टॉपिक करने वाले हैं जो कि आर्टिकल राइटिंग, ये भी जो है स्टोरी राइटिंग की तरह 10 मार्क्स की वेटेज रखता है और यही जो है राइटिंग स्किल में आता है. ऑप्शन में भी आ सकता है और वैसे भी इसका क्वेश्चन आ सकता है. तो आर्टिकल राइटिंग में एज सच तो इतना कुछ है नहीं फॉर्मेट से रिलेटेड, लेकिन एक लिखने का तरीका होता है कि इस आर्टिकल को आप इस अंदाज से लिखें कि हाँ लिखने वाले को अच्छा लगे, प्रॉपर लगे, एक्यूरेट लगे और फिर जो है आपको अच्छे खासे नंबर उसमें मिल सकें. तो उसका फॉर्मेट देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है. सबसे पहले फॉर्मेट में स्टार्ट होता है हेडिंग टाइटल. आपको आर्टिकल इस तरीके से दे रखा होता है कि उसमें टॉपिक होता है कोई भी चीज़, जैसे कि सपोज़ आपको इंटरनेट के ऊपर दे रखा है कोई टॉपिक, या फिर आपको सोशल मीडिया के ऊपर दे रखा है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज के ऊपर दे रखा है, जंक फूड के ऊपर दे रखा है, करप्शन के ऊपर दे रखा है. तो ये बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि मोस्टली आपको आर्टिकल में दे रखे होते हैं उसके क्वेश्चन में. तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल आ गया. टाइटल के नीचे आपको लिखना है बाय ऑथर्स नेम. अब वहाँ पे क्वेश्चन में आ तो आपको नाम दे रखा होगा कि आप ये हैं और आपको उसके किरदार के लिए उससे लिखनी है कि सपोज़ यू आर रमेश एंड यू हैव टू राइट आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक फलाना ढिमकाना, तो फिर वहाँ पे आपको रमेश लिखना है. लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको नेम गिवन नहीं है तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है. ठीक है, अब आर्टिकल को लिखने के लिए एक अच्छा रहता है कि आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर लो. ऐसा नहीं है कि शुरू करा और शुरू से लेके एंड तक सारा कुछ जो है एक ही पैराग्राफ में उतार दिया आपने, नहीं ऐसा नहीं करना है. आपको पैराग्राफ के अंदर डिवाइड करना है ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और पढ़ने में भी थोड़ा एक्यूरेट और अच्छा लगे. ठीक है, तो मैं आपको एक जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले आपको बेटर ये रहेगा कि आप उसको तीन पैराग्राफ में डिवाइड कर लो और तीनों पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें लिखो. और वो अलग अलग चीज़ कैसे लिखनी है वो ये बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान से सुनो. पैराग्राफ वन में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है जरा इनको रीड आउट करते हैं. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्लोगन, क्वेश्चन, अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर, स्टेटमेंट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्टिकल. यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन को बॉक्स में हाईलाइट करके इसलिए दे रखा है कि यहाँ पे ब्रीफ समझ के बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए कि ब्रीफ मतलब हमें अच्छा खासा एक्सप्लेन करना है आर्टिकल के टॉपिक को. नहीं, आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है आर्टिकल के टॉपिक के ऊपर. सपोज़ आपको कोई टॉपिक दे रखा है सोशल मीडिया, आपको टॉपिक दे रखा है सोशल मीडिया जिस पर आपको एक आर्टिकल पुटअप करना है, तो उस सोशल मीडिया के टॉपिक को आपको एक इंट्रोडक्शन देना है पैराग्राफ वन में. ठीक है, उस पैराग्राफ वन में आपको सबसे पहले उस आर्टिकल का टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है और उस टॉपिक के कहाँ से उसका इजाद हुआ वो लिखना है. इंट्रोडक्शन में ये होता है ना कि जो टॉपिक है वो ये है, यहाँ से इजाद हुआ, इसने इसको फैलाया, तो यहाँ से यहाँ तक आपको थोड़ा बना बनू के लिखना है. कितना बड़ा, 4 से 5 लाइन में. 4 से 5 लाइन से ज़्यादा पैराग्राफ वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है जो कि इतना बड़ा नहीं होना चाहिए. ठीक है, पैराग्राफ वन हो गया जिसमें आपने इंट्रोड्यूस कर दिया इसके टॉपिक को. ठीक है, जनरली स्मॉल होना चाहिए यहाँ पर, इस बात को बेटा ध्यान रखना है. पैराग्राफ वन को ज़्यादा बड़ा मत करना, इसमें आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक को. ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, ब्रीफली यू हैव टू ब्रीफली इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ आर्टिकल. ओके, अब पैराग्राफ टू की तरफ चलते हैं जो कि मेन पार्ट है आर्टिकल की बॉडी का, यानी कि जो मार्क्स जो आपको मिलेंगे, जो ज़्यादा मार्क्स की वेटेज रखता है वो रखता है ये पैराग्राफ टू. ठीक है, अब इन पैराग्राफ में आपको क्या क्या लिखना है, कॉजेज, इफेक्ट्स, प्रेजेंट स्टेट एंड कंडीशन. जैसे कि सोशल मीडिया को हम लेकर चल रहे थे कि सोशल मीडिया जो है टॉपिक चल रहा था, अब उसमें हमें क्या लेना है, उसके कॉजेज, यानी कि उससे ऐसे ऐसे वो स्प्रेड हुआ, ऐसे ऐसे वो आगे बढ़ा. ठीक है, इफ़ेक्ट्स, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ना है, अच्छे भी बताने हैं, बुरे भी बताने हैं.
यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लिखना है पैराग्राफ टू में, ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे आप एग्जांपल्स के थ्रू ही बता रहे हो कि जो मेरा फ्रेंड है उस फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, सोशल मीडिया वो ज़्यादा यूज़ कर रहा था तो उसकी पढ़ाई में लॉस हुआ, या फिर एडवांटेज में आप ये बता सकते हो कि जो मेरा फ्रेंड है सोशल मीडिया से उसने बहुत अच्छी नॉलेज हासिल करी जिससे उसकी जनरल नॉलेज इतनी ज़्यादा हुई कि उसने यूपीएससी को क्रैक कर लिया। तो आपको जो है अपनी मनगढ़ंत के हिसाब से जो है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं किसी भी जो टॉपिक आपको मिलेगा। मोस्टली जो भी टॉपिक मिलता है आपको उसका एडवांटेज भी होता ही होता है और डिसएडवांटेज भी होता ही होता है रियल लाइफ में, तो आपको बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अगला वाला जो है प्रेजेंट स्टेट एंड कंडीशन, यानी कि आज के टाइम में आज के माहौल में उस टॉपिक की दशा क्या हो रखी है पूरी कंट्री में या वर्ल्ड में या फिर यूथ के अंदर जो है उसकी दशा जो है उसकी कंडीशन जो है क्या हो रखी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एलेबरेट करना है, पैराग्राफ टू को अच्छे से अच्छे पुटअप करने की कोशिश करना है बेटा। यही आपको जो है मार्क्स दिलवाएगा, जो पैराग्राफ टू है यही आपको मार्क्स दिलवाएगा अपने आर्टिकल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है पैराग्राफ थ्री, वो क्या है। अब पैराग्राफ थ्री में हमने क्या दे रखा है, सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन, और ये भी जो है जनरली स्मॉल ही होना चाहिए, अराउंड 4 to 5 lines। जो हमारा पैराग्राफ वन था, पैराग्राफ वन भी जो था जनरली वो स्मॉल ही था, 4 से 5 lines का उसमें हमने इंट्रोड्यूस करा था। और जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा यानी कि पैराग्राफ थ्री, ये भी स्मॉल ही रखा जाएगा, 4 से 5 lines तक की इसकी जो है सीमित रहेगी। इसमें आपको जो है सॉल्यूशन बताने हैं, कंक्लूजन बताने हैं, यानी कि सोशल मीडिया का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, सपोज़ आपको सॉल्यूशन बताने सोशल मीडिया का कि अगर हम उसको एक लिमिट में यूज़ करें, एक अच्छी वे में यूज़ करें, तो वो हमें इफ़ेक्ट पूरी तरह से नहीं कर सकता है, हम उससे अच्छा खासा जो है फ़ायदा उठा सकते हैं सोशल मीडिया का, उससे बहुत सारी चीज़ें हासिल करते हैं। फ़न वे में भी यूज़ हो सकता है सोशल मीडिया, ऐसी बात नहीं है, आप उसको एंटरटेन भी कर सकते हो अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए सोशल मीडिया पे। ये नहीं है कि आप 24/7 जो है सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा लगे हुए हो कि आपको मतलब ही नहीं हो रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, पढ़ाई में क्या चल रहा है, आपको उस चीज़ का भी बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन एंड कंक्लूजन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के बताना है, जो भी आपको टॉपिक दे रखा होगा उस हिसाब से आपको अपनी क्रिएटिविटी से इजाद करके क्रिएट करके आपको बताने हैं सॉल्यूशंस एंड कंक्लूजन, ओके। जनरली 4 से 5 lines का होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा आर्टिकल के टॉपिक में तो इतना ही था, ये छोटा सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट यानी कि ये नहीं है कि अगर आपने ऐसे नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन ये लिखने का तरीका है, एक अंदाज़े बयान है उस चीज़ को लिखने का। इस तरीके से लिखोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, और हो सकता है अगर आपने मैटर उसमें सही लिख रखा है, एक्यूरेट लिखा है, प्रॉपर लिखा है, तो आपको मार्क्स भी डेफिनेटली इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।